मैं जा रही हूँ फ्यूचर पीएम से मिलने के लिए। 8 years of Justin Trudeau. We will protect our Hindu temples. Jai Shri Ram. If you come to power, what can we do for housing? We need to build more homes. It's so nice feeling, it's so beautiful. Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. Frame ke bahar chale gaya. Actually, main bahut excited hu abhi. To main ja rahi hu apne first garba event pe. Yay! I'm so excited, guys. Jab se main Canada aayi hu, this is the first time. Aaj main ja rahi hu garba dance event ho raha hai Mississauga Stadium mein. Hum log rehte hain Midtown Toronto mein. Hamare ghar se kuch subway se 1.5 ghanta door hai. Main thoda bahut makeup kar liya, abhi mujhe change karna hai. And guys, I can't tell you, main itni confused thi. Kaun sa suit pehnu, kya pehnu? क्या नहीं पहनूं? Stay tuned to my video. और आज करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती. पता नहीं मुझे गरबा डांस आता तो बिल्कुल नहीं है करना, आता तो हमें पंजाबी बनाट डांस करना है. तो वहीं पर जाकर देखते हैं कि मैं गरबा सीख कर आती हूँ या सबको पंजाबी डांस सिखा कर आती हूँ. सो बाय. हाय गाइस, अरे कैमरा सेटिंग ऊपर. तो मैं रेडी हो गई हूँ, पूरा तामझाम कर लिया है. फुल शॉट क्यों नहीं आ रहा, एक सेकंड. सो मैं रेडी हो गई हूँ, सूट पहन लिया है, पूरा तामझाम कर लिया है. बड़े टाइम के बाद ऐसे इंडियन वेयर में मैंने पूरा ज्वेलरी वोली पहनी है, वरना लाइट से कुछ पहनती हूँ अगर कहीं पहनना भी होता है. सो आई एम रियली हैप्पी. और हमें लेट तो नहीं हो रहा है, अभी है 10 मिनट में हम निकलने वाले हैं यहाँ से और फिर सबवे लेंगे. इसके ऊपर जैकेट भी पहननी पड़ेगी गाइज, क्योंकि टोरंटो में हो रही है बहुत ठंड. अभी बाहर है 10, तो फील्स लाइक तो होगा पक्का 7-8 होगा इस टाइम पे. तो मैं ओवरकोट पहनने वाली हूँ. दैट्स द प्रॉब्लम यार, इंडियन वेयर पहन के जाना हो ठंड में तो ऊपर जैकेट पहनो, नीचे मैंने वार्मर पहना हुआ है. क्या क्या करे बंदा यार. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर, जिनके व्लॉग्स मैं इंडिया से देखती आ रही हूँ. एंड व्लॉग्स आर जस्ट सो रिलेटेबल, ऐसा लगता है मतलब अपनी ही फैमिली है, अपने घर की बातें चल रही है, तो इतना अच्छा लगता है. कि वहीं जाकर बताती हूँ किनसे मिलने जाने वाली हूँ. एंड खाना पीना भी होगा वहाँ पे, तो देखते हैं यार क्या मिलेगा. मतलब एक और चीज के लिए जो मैं एक्साइटेड हूँ ना, वो खाना है. क्योंकि आई एम रिज्यूमिंग वहाँ पे चाट पकौड़े पापड़ी चाट, मुंह में पानी आ रहा है, वो सब मिलेंगे आई थिंक. सो मिलेंगे गोलगप्पे सूजी वाले. ओके तो जो भी है अभी कंट्रोल करते हैं इमोशंस एंड चलते हैं. प्रेस्टो रखना है ना मुझे, प्रेस्टो कार्ड. यू रेडी? चलो गाइस, तो हम आपको मिलते हैं गरबा करते हुए. मेरे को लग रहा है ठंड नहीं है, तेरे को लग रहा है ठंड है. आई एम जस्ट वेयरिंग दिस ओवरकोट, ना नीचे सूट पहने हैं. इट सेज इट फील्स लाइक 7 राइट नाउ. आई डोंट नो, आई शुडंट फील लाइक दिस, बट वो सूट पहन के ऊपर से ओवरकोट ना थोड़ा अजीब सा फील आ रहा है. एक्चुअली सब देख भी देगा ना. हाँ. ये क्या, ये झोला पहन के घूम रहे हैं बाबा जी. झोला नहीं सूट, अनारकली. ऐसे फील नहीं करना चाहिए यार. मतलब आई एम प्राउड ऑफ वेयरिंग दिस, हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है. बट हम भी जैसे कोई और कुछ अलग सा पहन के आता तो उसको देखते तो है ना फॉर अ सेकंड, तो वो दैट स्टेयर मेक्स यू कॉन्शियस. या तो गाइस देखो, सूट के ऊपर ओवरकोट और ये ज्वेलरी छुपाने के लिए कि चमके ना, ये स्टोन भी है. ऐसे लग रहा है शादी में जा रही है. ये चमेली के फूल कहाँ से लाई वैसे? आर्टिफिशियल इंडिया से लाई. ओह हाय, थैंक यू. At the Garba event and इतने सारे लोग हैं यार यहाँ पे, सब डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि फेस्टिवल. मतलब आई कैन टेल यू, इट्स सच अ प्राउड फीलिंग यार. मुझे लगता है हम लोग जितना भी दूर चले जाएं अपनी कंट्री से, पर वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, फेस्टिवल इज ऑलवेज विद अस. तो
गाइज वो समवन स्पेशल से भी आपको मिला देती हूँ जिनसे मैं मिलने आई थी यहाँ पे. इनका नाम है शिल्पा फ्रॉम चिट चैट विद शिल्पा. शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर जैसे मैंने आपको बताया था. एंड मैंने सोचा यार चलो बातें गपशप करेंगे बाद में आराम से, पहले अपना सामान रख देती हूँ, गरबा के लिए रेडी हो जाती हूँ. आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड देन शिल्पा वॉज इंट्रोड्यूसिंग मी टू ऑल हर फ्रेंड्स हर ग्रुप एंड सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. दे आर सच लवली पीपल. एंड देन आई मेट दिस लिटिल क्यूटी एमी. शी इज शिल्पास डॉटर. आप लोग उनकी वीडियो देखते आपको पता ही होगा, शी इज सच अ क्यूटी यार. तो चलो अब जिस काम के लिए आए थे वो स्टार्ट करें, थोड़ा गरबा करें. हमारे ग्रुप में मोस्टली सब पंजाबी थे तो हमने सोचा कि यार इस मौके का फायदा उठाते हैं. एंड यू नो वो फेमस गाना है ना रेलगाड़ी, तो वो गाना तो नहीं बज रहा था बट हमने रेलगाड़ी बना ली एंड उसमें हमने पता नहीं क्या ही करा. आगे देखो. गाइज मुझे नहीं पता मैंने गरबा करा है या पंजाबी डांस करा है बट बहुत मस्ती करी. एक सेकंड के लिए तो आई थॉट कि शायद मैं इंडिया में ही हूँ, इतना अच्छा लग रहा था. मुझे लगा ही नहीं कि कनाडा में हो रहा है. एंड देन ना अचानक से एक अनाउंसमेंट हुई दैट द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इज हियर एंड आई वाज लाइक व्हाट. गाइज तो यहाँ पर फ्यूचर पीएम, मैं जा रही हूँ फ्यूचर पीएम से मिलने क्योंकि लोग यहाँ पर यही बोल रहे हैं. आप लोगों को भी मिलाती हूँ, हम ट्राई कर रहे हैं उनके साथ फोटो हो जाए. अभी पियर ए इसका बेसिकली गाइज ये है पियर ए पोलरवर क्योंकि नहीं है. ये फोटो की लाइन है जो कि जाएगा सिटीजनशिप के लिए. वाह फिर तो लाइन लंबी होनी चाहिए. Can I do it? Yeah, come on. Thank you. Just have a small question and it'll be great if you can answer in the camera. Very sure. The question is, we are new immigrants here and for us housing is the biggest concern right now. I just want to know, if you come to power, what can we do for housing? How do we make it more affordable? To one, bring down the deficit to push down interest rates. Two, we need to build more homes. That means clearing away the bureaucracy, freeing up land, and granting fast building permits. Build homes, not bureaucracy. It's common sense. Now let's bring it home. But don't you think that Toronto as an area or GD as an area is already saturated? We don't have much land available. No, we have land. Oh, we have? Okay. We have land and we have also the ability to densify on the land we're already built on. Okay. Okay, perfect. Thank you so much. Thank you. This is the seventh of the 9 days on which the beautiful goddess Durga transformed herself again and again to defeat an evil demon. This is a beautiful Hindu story. And 8 years of Justin Trudeau. And free up land so that we can build millions of homes that you can afford. Finally, we will bring home freedom to our people, freedom of religion. We will protect our Hindu temples against vandalization and bigotry. Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! गाइज मुझे ना ये गरबा इवेंट फॉर लाइफ याद रहने वाला है क्योंकि इट वॉज एन ऑनर टू मीट मिस्टर पेरे पोलेवर.
ही इज द लीडर ऑफ ऑफिशियल ऑपोजिशन ऑफ कैनेडा एंड सब लोग ना वहाँ पर एड्रेस कर रहे थे इनको बाय सेइंग ही इज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा एंड एवरीबडी वॉज स्टेयरिंग अप फॉर हिम सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट. इसके बाद हमें लगी बहुत तेज भूख तो हमने सोचा कि चलो जल्दी से फूड स्टॉल चलते हैं एंड चेकआउट करते हैं क्या क्या है खाने को वहाँ पर. सो मैं आ गई यहाँ पे, सबसे पहले मुझे भेलपूरी दिखी, देन यहाँ पर नूडल्स दिखे, पाव भाजी, वड़ा पाव, पैटीज, बहुत कुछ था, समोसे भी थे, बट द खाना वॉज नॉट दैट ग्रेट. हमारे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी ट्राई कर लिया था, उन्होंने हमें फीडबैक दे दिया था कि अच्छा नहीं है, सिर्फ चाउमीन जो थोड़े बहुत ठीक लगे उनको, तो हमने वही जाके फिर खाए. सो फाइनली जाके भूख बहुत लग रही थी, हम खा रहे हैं जाके चाउमीन क्योंकि यही मिला हमें, इसके अलावा सब सारे लोगों ने फीडबैक दिया कि और कुछ अच्छा नहीं है. सो दिस इज व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ. दो है गाइज, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, मेरी जितनी एक्साइटमेंट थी ना खाने को लेकर सारी जीरो हो गई. तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टॉल्स थे वो देखने चले गए. तो सबसे पहले ना मुझे ये चटपटी चीज़ें दिख गई यहाँ पर जो बचपन में हम टॉफीज़ वगैरह खाते थे, चूरन की गोलियाँ, वो सब थी यहाँ पे, मैंने वो ट्राई करी. उसके बाद यहाँ पर ना ये ज्वेलरी दिख गई, यहाँ पर इयररिंग्स थे, एसेसरीज थी बहुत सारी. एंड जब भी मैं दिल्ली में किसी मार्केट जाती थी ना तो मैं कभी खाली हाथ नहीं आती थी, कुछ ना कुछ ज्वेलरी तो लेकर ही आती, तो यहाँ पर भी इतनी प्यारी लग रही थी ये सब. एंड देन इट वॉज टाइम फॉर सम फोटो सेशन एंड टाइम टू से गुड बाय गाइज, इट वॉज अ फन इवेंट. बट जाते जाते मैं आपको एक बार शिल्पा से ज़रूर मिला देती हूँ. Guys, I'm so happy to meet Shilpa. Actually, मैंने अपने उसको भी बोला है. Again, I would like to request, please do not panic. एक साथ है, एक लाइन में आगे बढ़ो अभिनंदी. There is no real fire at all. It's just an art form. And you are like so relatable, ना? मतलब ऐसे लगता है. I'd like to request, please do not rush. अपनी फैमिली है. मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरी सिर्फ फैमिली. We have enough volunteers to guide you. All wonderful. गाइज, तो वीडियो में यहाँ पर एंड करती हूँ. अब हम जा रहे हैं घर ऊबर करके एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आर ऊबर राइड. और ये देखो ये पूरी पार्किंग है जो फुल है और अभी भी बहुत लोग थे अंदर. तो यार गाइज, आई होप, और मैंने मेरे कपड़े आपको दिखाऊंगे डिफरेंट क्योंकि बाहर ठंड है, मैंने अपनी ओवरकोट पहन लिए. आई होप आपको मज़ा आया कोई इस इवेंट में, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइज. बहुत बहुत अच्छा अच्छा डांस करा हमने, गरबा पंजाबी मिक्स सब कुछ कर दिया मैंने तो. सो इट वॉज फन. बहुत ठंड हो रही है लेकिन बाहर. चलो गाइज, अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. हैप्पी गरबा, हैप्पी नवरात्रि एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज. बाय.